हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन कर रहे थे और मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था भी होमवर्क करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों से हो गया होगा, क्योंकि उस बेसिस पे मैंने दो क्वेश्चंस करवाया भी था। उसी को थोड़ा आगे एक नोट लिख लेते हैं जो कल मैंने लिखवाया नहीं था। नोट लिख लीजिएगा कि अगर कभी भी इस तरीके का हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा कि कल क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, 1 पे पावर m इंटू x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, प्लस 2 पे पावर m इंटू x ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, प्लस 3 पे पावर m इंटू x ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये इस तरीके से चल रहा है। और लास्ट जो टर्म है n पे पावर m इंटू x ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिवीजन में है ये, एक n पे पावर m प्लस 1, m प्लस 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, रिजल्ट जो आएगी, x/m+1। जैसा कि कल के भी क्वेश्चन में आपने देखा था, बहुत सारे एक क्वेश्चन में जो शुरू का एक क्वेश्चन हमने दिया था, उस क्वेश्चन में यहाँ पे 1, 2, 3 और x पे स्क्वायर था, तो आपने वहां पे जो वैल्यू दे दिया था x/2 दिया था। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, x/2, जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक हमने होमवर्क जो दिया था m = 2 पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x/3। अगर m की वैल्यू 3 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x/4। ये दोनों हमने होमवर्क में दिया था आपको बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में और इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं और उस पे क्वेश्चंस कुछ करते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट्स, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स में हम लोग करेंगे क्या, कुछ रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग। देखो लिमिट x→0, साइन x/x हो या लिमिट x→0 x/sin x हो, या लिमिट x→0 sin inverse x/x हो, या लिमिट x→0 x/sin inverse x हो, सभी की वैल्यू 1 होती। सेकंड, इसी तरीके से tan में भी केस बनता है, x→0 tan x/x और is equal to 0, इसमें भी यही केस होगा, x/tan x, tan inverse x/x, x/tan inverse x is equal to 1 हो जाएगा। मैं सारी बात नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन के साथ मैंने लिखा हुआ है, टैन के साथ भी 1 होता है। और थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट यूज होने वाला है, लिमिट x→0 1 cos x/x² की वैल्यू याद रखिएगा 1/2 होगी, x होगा तो नीचे में x² होना चाहिए। और एक लास्ट है, लिमिट x→0 x - sin x/x³ is equal to 1/6। एक और लिख लेते हैं, लिमिट x→0
साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स अगर होगा तो पाई बाई 180 लिखिएगा, एक्स डिग्री है ये, नॉट एक्स। इसको देखो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो हो जाएगा 1 पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्स डिग्री जो होगा वो पाई बाई 180 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लिखिए, लिमिट इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स डिग्री को आप लोग कितना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो पाई बाई 180 इंटू एक्स, डिवीजन में एक्स था तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई और पाई बाई 180 से डिवाइड कर दो। तो देखो तो इस पूरे वैल्यू, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो निकल जाएगा तुम्हारा क्या, पाई बाई 180। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि साइन एक्स बाई एक्स तो है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं, ये एक्स डिग्री है और दिस वन इज रेडियन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और लिखते हैं, इसमें मेथड होता है, जैसे एक होता है फैक्टोराइजेशन मेथड, इसमें फैक्टर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है रैशनलाइजेशन मेथड, इसमें रैशनल किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है, कोई भी रूट में इरेशनल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो ऊपर नीचे रैशनलाइज करके हम लोग उसे सिंपल फॉर्म में 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्मेट में बनाते हैं। इसमें जो जो रूल का यूज करेंगे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 की वैल्यू एन होती है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और अगर ऐसा हो एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन एक्स माइनस ए, एन ए एन माइनस 1 आप जानते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एम ए टू द पावर एम एक्स टू द पावर एन ए टू द पावर एन, तो m अपॉन n और a पे पावर m माइनस n हो जाएगा। ये थोड़े से बेसिक रूल्स थे जो हमें बताना जरूरी था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं हम लोग जो कंपटीशन में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो एक एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन के साथ है पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो जेई में भी ये आया है और आईआईटी में भी आया है, आईआईटी का भी क्वेश्चन है ये और जेई मेंस 14 का भी क्वेश्चन है ये। तो इसे आप किस तरीके से करना चाहेंगे, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसे हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। साइन है ये और अंदर वाले को भी साइन बना लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बोलो क्या लिखोगे,
इसे आप लिख सकते हो साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं सर। अब इसे थीटा बाय थीटा वाला फॉर्मेट बनाओ, तो ये है पाई साइन स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, देखो तो इस वाले को एक बार एक स्टेप और लिख लीजिए, लेकिन कंपटीशन में आप ये स्टेप बढ़ाना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि थीटा बाय थीटा वन हो गया ये, और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है पाई, ये वाली वैल्यू भी वन और ये वाली भी वैल्यू वन, तो बच गया हमारा क्या, पाई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जो जेई में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन 13 में भी आया है और 15 में भी आया है। तो हम लोग चलते हैं, लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस कॉस 2 एक्स और है 3 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टैन 4 एक्स। ठीक है, तो देखो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन बनाने में। 1 माइनस cos 2x है, 2x है, तो आप क्या करोगे, 2x का स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, कर दिया। x tan 4x है, 4x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और जो टर्म बचे हैं मतलब ये वाले 3 प्लस cos x, 3 प्लस cos x, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए। तो देखो इसकी वैल्यू जो है तुम लोग जानते हो कि कितनी होती है, 1/2, अभी हमने लिखा था पीछे में 1/2 होती। अब देखो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली 1 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो ये ऊपर में 4 बच गया, और 4 से 4 ये डिवाइड भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक 4 है, और ये है 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। देखो एक स्टेप में तुम्हारा ऑप्शन मैच कर गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया है, इस वाले को भी रिजल्ट बनाया है और इस वाले को भी रिजल्ट बनाया है। इस वाले को रिजल्ट बनाने के लिए आपने क्या किया है, एक्स 2x स्क्वायर, क्योंकि एंगल 2x था तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है हमने, और यहाँ टैन 4x था तो 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल, 3 प्लस 1 4 और 1/2 दैट इज 2। एक और जेई 2005 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो जेई एडवांस में भी आया है। चलिए करते हैं, बोल रहे अल्फा बीटा
बी द डिस्टिंक्ट रूट्स, बी द डिस्टिंक्ट रूट्स है, इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमें जो वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, अल्फा बोल रहा हूं मैं इन्फिनेटिव में समझ लेना, वन माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मेट बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम जानते हो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो जब अल्फा बीटा रूट्स होंगे तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन को। तो चलिए लिमिट इज इक्वल टू एक्स टेंस टू अल्फा वन माइनस कॉस के साथ ए को बाहर ले लो और ये हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा पे होल स्क्वायर। देखो तुमने फार्मूला पे आ जाइए, जो अभी पिछले एग्जाम्पल में भी हमने लिखा था और यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। तो एंगल क्या है? एंगल जो है उस एंगल से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखो एक्स माइनस अल्फा दे रखा है, ए स्क्वायर कर दीजिए और एक्स माइनस बीटा पे भी स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने क्या क्या ऊपर में डिनोमिनेटर में लिखा है? ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये लिखा है। अब देखो तो ये पूरी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी और लिमिट लगा दीजिए 1/2 हो गई और ये ए स्क्वायर और ये है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला रिजल्ट है, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। और इस रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि देख लीजिए हम लोगों ने यूज किया है इस रिजल्ट का। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखते हैं। इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्स टेंस टू 1 है हमारा और ये दे रखा है के इज इक्वल टू 1 से 100 तक और एक्स टू द पावर के माइनस 100 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। क्या करेंगे? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, k की वैल्यू x टेंड्स कर रहा है 1, x टेंड्स कर रहा है 1, k की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक है, सिग्मा x टू द पावर k माइनस 100 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखो इसका सबसे आसान तरीका जो हम लोग बताते हैं बोर्ड पे वो ये बताते हैं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो सिग्मा के फॉर्मेट में
तो करेंगे क्या, एक्स वाले को एक साथ लिख देंगे, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पे पावर 100 माइनस, और ये 1 + 1 + 1 100 तक लिख सकते हो तुम, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसे हम लोग लिखेंगे एक्स के साथ 1 को एक बार लिख दो, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को भी 1 के साथ लिख दीजिए, एक्स क्यूब को भी 1 के साथ लिख दीजिए, और ये एक्स पे पावर 100 को भी 1 के साथ लिख दो, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है, लिख सकते हैं ऐसा। देखो अरेंजमेंट किया है हमने, अब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी फार्मूला, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी फार्मूला, देख लीजिए। देखो ये वाला फार्मूला, एन होता है 1 के साथ तो एन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 है, +4 है, कहाँ तक जाएगा, 100 तक। इसका सम हमें पता है 50 50, ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, एन एन +1/2, तो 50 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, 101, यहां से ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये निकल कर आया। तो देखो क्वेश्चन जो है टफ नहीं आते हैं, क्वेश्चन सिंपल वे में आते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ और उसे डिस्कस करते हैं, और पता चलता है कि कैसा है ये, इसको हम लोग किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। तो लिमिट दे रखा है x→0 e^(x)² - cos(x), डिवीजन में x² है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इवैल्यूएट करना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या करेंगे, e^² - 1 कर देते हैं, ठीक है, x² के साथ, और प्लस कर दो, यहां पे लिख दीजिए 1 - cos(x)/x². देखो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी कुछ नहीं, 1 से ऐड एंड 1 से सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, और इसकी वैल्यू भी पता है 1/2 होती है। दिस इज वेरी शॉर्टकट मेथड, देखो कितना शॉर्ट तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया। एक और लेते हैं हम लोग, इवैल्यूएट करना है लिमिट x→0 27 to the power x - 9 to the power x - 3 to the power x + 1, डिवीजन में दे रखा है √2 और माइनस में 1 + करना। तो देखो हम लोगों का टॉपिक ही चल रहा है, और ये टॉपिक जो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री एंड रेशनलाइजेशन, तो ट्रिग्नोमेट्री तो दे ही रखा है, सलमान कौन सा कैसे हो गया, मैं
मैंने पेज को पलट दिया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए, 3 नंबर है और एक क्वेश्चन है 2 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमने इसको किया क्या है, एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे जब एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको मैंने लिखा है एक्स टेंस टू 0 और ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर और -1 और +1 कर दो और माइनस का कॉस एक्स है ये, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ही ऐसा है। इस वाले को हम लोगों ने क्या किया है, अलग लिखा है एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया है और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया। और एक रिजल्ट होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू दी पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट होता है। तो ये वाला देखो तो एक्स है, तो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये वाला भी एक्स स्क्वायर है, तो वैल्यू हमारी ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और +1/2, 3/2 निकल कर आ गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसे इवैल्यूएट करना है, तो इसे जब इवैल्यूएट करोगे तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसे फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर जब करोगे तो ये बन जाएगा 9x-1 और ये हो जाएगा 3x-1, इसका फैक्टर हो गया ही। डिनोमिनेटर में है √2-1+cos x। हम लोग ऐसा करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज करोगे तो √2+1+cos x हो जाएगा और √2+1+cos x हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर करने के बाद हमने रेशनलाइज कर दिया। अब देखो तो रेशनलाइज जैसे ही किए तो ये वाला फॉर्मेट 1 होता है, e पे पावर x अगर होगा तब 1 होगा, ए टू दी पावर एक्स होगा तो यहाँ पे लॉग ए लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 9x-1 अपॉन एक्स कर दिया और ये 3x-1 अपॉन एक्स कर दिया। डिनोमिनेटर में हमने एक्स से और एक्स से मतलब एक्स स्क्वायर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी हमें करना है। तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2+ लिख लेते हैं 1+cos x, डिवीजन में हो जाएगा तुम्हारा 1-cos x, a-b, a+b ब्रेक करो तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखो जब भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, ए टू दी पावर एक्स -1 अपॉन एक्स की वैल्यू लॉग ए होती, लॉग ए होती। तो यहां पे ए कितना है, 9 है, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट बराबर लॉग 9 इनटू log 3
इनटू रूट टू प्लस 1 प्लस 1 रूट टू डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। लिमिट अप्लाई कर दिया हमने। अब लिमिट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये 3 को बाहर कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8√2 एलेन 3 का होल स्क्वायर। एलेन लिखो या लॉग 3 का होल स्क्वायर, ये निकल कर रिजल्ट आ गया। क्लियर है? इसको हमने लिख लिया है log 3 का स्क्वायर इंटू log 3 इंटू 2√2 और ये 2 ऊपर आ गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, 8√2 और log 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? देखो हमने जो रिजल्ट यूज किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स की वैल्यू 1 होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस एक्स की वैल्यू लॉग ए होती है, ए पॉजिटिव होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर log 1 प्लस x अपॉन x होता, दोनों सेम, x x सेम, हर जगह पे देख लीजिए x x सेम, यहाँ x x सेम, तो इसकी वैल्यू 1 होती। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखते हैं एल्जेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। एल्जेब्रिक एट इंफिनिटी, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा शॉर्टकट मेथड में बताने जा रहा हूं, बहुत शॉर्टकट मेथड है। अगर आपके माइंड में आ गया तो इन्फिनिटिव वाले लिमिट्स को आप चुटकी बना करके बना लोगे, बस एकदम देखोगे और आंसर आप बताओगे। थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आपको समझना होगा और देखना होगा कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक में बस देख करके हम कैसे लिख सकते हैं आंसर, बस देखना और तुम्हें बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी भैया, ए नॉट एक्स टू द पावर एम, a1x to the power m minus 1, a2x to the power m minus 2, और इस तरीके से ये गया है हमारा am-1x + am। डिवाइडेड बाय बी नॉट एक्स टू द पावर एन, b1x to the power n-1 प्लस b2x to the power n-2, और ये जा रहा है bm-1x + bm, m नहीं है ये n है,
बी एन माइनस वन और बी एन, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं। फैक्ट्स याद क्या रखना होगा, फर्स्ट स्टेप ये याद रखना होगा कि इसका जो आंसर है ए नॉट बाई बी नॉट होगा, ये तब होगा जब एम और एन दोनों की डिग्री अगर सेम हो जाए। अगर डिग्री दोनों की सेम हो जाए तो इन्फिनेटिव के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, ए नॉट अपॉन बी नॉट, दिस इज द आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन में तुम्हें ढूंढना होगा, ये देखना होगा, इसका आंसर जीरो होगा जब एम की वैल्यू लेस होगी एन से, ये चीज तुम्हें देखना होगा। और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब एम की वैल्यू ग्रेटर होगी एन से, ठीक है। जब एम की वैल्यू ग्रेटर होगी मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन आंसर विल बी इन्फिनिटी। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन आंसर विल बी जीरो। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आंसर इज द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। अब इस पे थोड़ा एक जेई का क्वेश्चन देख लेते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है और ये है 1 -2 +3, ऑल्टरनेट है ये, -4 +5 -6 +, इस तरीके से ये जा रहा है और ये -2n तक जाता है और डिवीजन बाय रूट में n स्क्वायर प्लस वन है और रूट में 4n² -1, ठीक है। तो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कि न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्टेप लिखेंगे। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व पहले कीजिए, हम लोग को पहले डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कलेक्ट करनी है। तो देखो तो 1 -2 एक पेयर एक सिंगल ब्रैकेट बना रहा है, दूसरा पेयर एक सिंगल ब्रैकेट बना रहा है, पांचवा पेयर एक सिंगल ब्रैकेट बना रहा है और इस तरीके से ये 2n-1 माइनस का 2n एक ब्रैकेट बना रहा है, डिवीजन बाय ये डिनोमिनेटर में जो जैसे है बस सेम वैसे ही लिखते चलिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिए आप, इसे छेड़ना नहीं है हमें, ठीक है। इसे जैसा है वैसे ही आप लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, सब नेगेटिव के साथ। तो अब तुम्हें पता चल गया कि ऊपर में पावर कितनी है, एन एन पे पावर वन है। डिनोमिनेटर में देखो n² + 1 और ये बस तुम्हें यहीं तक काम करना है, उसके बाद देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो वन ही तो है, रूट के अंदर वन ही तो है, इसमें भी रूट के अंदर यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, इसे सिंपल वे में देखो, ये माइनस एन है, डिवीजन बाय ये रूट हट जाएगा तो ये एन हो जाएगा, और ये रूट हट जाएगा तो ये 2n हो जाएगा। आंसर एकदम सिंपल, 1/3। हाँ जी, क्या है? यहाँ पे क्या बोल रहे हो बेटा? ऊपर में माइनस एन होगा, कहाँ पे माइनस एन होगा? हाँ तो माइनस मैंने बेटा यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना? देख लो मैंने सही लिखा है। माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, नेगेटिव बाहर है, इसमें सब में माइनस आएगा, इस स्टेप में भी माइनस, इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी, और इस स्टेप में भी माइनस आएगा। तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, माइनस का हमें कोई यूज भी नहीं, सिर्फ लास्ट में माइनस लिख देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि रूट हटाएंगे तो एन हो जाएगा, और यहां पे रूट हटाएंगे हमें कोई कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो हमने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ही तो लिखा है, इसकी कोएफिशिएंट 1 के साथ माइनस है तो -1, इसकी कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया, और इसकी कोएफिशिएंट 4 है तो रूट में 2, तो 2 और 1 3, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर एक आसान सा क्वेश्चन देखें, एक और दे रखा है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस एन तक का स्क्वायर दे रखा है, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 2n-1, 3n-1 और 4n-1 दे रखा है, ऐसा दिया। तो इसे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर वाले को देखिए, उसका फॉर्मूला होता है n n प्लस 1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए, और मेरी बात को समझिए और मेरी बात पे ध्यान दीजिए। देखिए डिग्री इसकी 1, 2, 3 है, मैक्सिमम डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। डिनोमिनेटर में देखिए मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है कि जब डिग्री सेम हो जाए तो कोएफिशिएंट ही हमारा आंसर हो जाता है। तो डिग्री सेम होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री एन 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 की डिग्री की कोएफिशिएंट 2 है, एन पे हाईएस्ट डिग्री की कोएफिशिएंट कितनी है, 2 है। यहाँ पे देखो एन 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 इसके हाईएस्ट डिग्री की कोएफिशिएंट कितनी है, 6 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, आंसर ठीक है। जल्दी से आप 1 सेकंड में बताइए तो फटाफट एकदम। एन दे रखा है,
और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, एन प्लस टू एन प्लस थ्री है ये। जल्दी से आंसर बताइए। कमेंट में लिखिए। अमरीश जीरो आ रहा है क्या? ये थ्री है। एन प्लस टू एन प्लस थ्री। अमरीश बोलो बेटा। कवलदीप, राहुल, अरे इतने सारे लोगों को बताओ भाई। सलमान ने जीरो बताया, कैसे भाई? अरे राहुल, राहुल बोलो। थ्री, कवलदीप थ्री। रजा, रजा बोलो बेटा, जल्दी बताओ यार। इतना टाइम देने के लिए थोड़ी क्वेश्चन है ये। देखो ना, वन से लेकर एन तक का समेशन तुम्हारा कितना होता है? एन एन प्लस वन बाई टू, यही होता है। और डिनोमिनेटर में एन प्लस टू है और एन प्लस थ्री है। हाईएस्ट डिग्री देखिए एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर की कोएफिशिएंट है हमारी वन। डिनोमिनेटर में देखो हाईएस्ट कोएफिशिएंट है हमारी एन स्क्वेयर और इसकी कोएफिशिएंट है टू, वन बाई टू। कैसे कर रहे हो भाई? कैसे कर रहे हो? देखिए, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है या दिक्कत हो रहा है या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कॉन्सेप्ट में बड़ा शॉर्ट में बता करके मैं मेनली जो चीज तुम्हें सीखना है बस उतना चीज ही मैं बता करके आगे बढ़ जा रहा हूं। और मुझे मेनली क्वेश्चन डिस्कस ज्यादा से ज्यादा तक करना है, तो जहां पे भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल आपके पास कमेंट बॉक्स में आप लिखिए उसको। देखिए सलमान तुरंत लिखता है कि ये बात समझ में नहीं आई, पिछले पेज में ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसे बताता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने देख करके इग्नोर कर लिया और फिर आगे मैं बढ़ गया। आप बताइए, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको देख नहीं रहा हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, टू माइनस एन और वन माइनस फाइव एन स्क्वेर डिवाइडेड बाई एन टू एन माइनस वन, ऐसा दे रखा है। तो जल्दी से इसका आंसर कैसे बताएंगे? तो देखो, तो एन क्यूब है ऊपर में, नीचे भी एन क्यूब है, तो कोइफिशियंट हम लोग देख लेंगे। कोइफिशियंट जब आप देखिएगा तो कोइफिशियंट आपकी कितनी हो रही है? फाइव वन जा फाइव,
नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 हो गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एन क्यूब हो जा रहा है, तो 2 हो रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आंसर देना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इस पैटर्न पे सीखेंगे। क्वेश्चन 1 पे पावर इन्फिनिटिव, 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटिव पे पावर 0। क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से आने वाला है। डेट आपको याद है, डेट आ गया है पेपर का, 18 तारीख से है आप लोगों का एग्जाम, 23 तक चलेगा जुलाई, तो टाइम है थोड़ा सा, आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न में भी थोड़ा सा टफ हो, में भी, क्योंकि सरकार ने आपको दिया है वक्त घर पे पढ़ने के लिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, नहीं समझ में आए बिल्कुल आपको बोलना है, कोई हेजिटेशन नहीं है। फर्स्ट में देखिए, अगर 1 पे पावर इन्फिनिटिव वाला फॉर्म बने, देखो लिमिट की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, एफ एक्स पे पावर जी एक्स है, ऐसा है ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हम लोग टाइम बचाने के लिए इतना लिखते नहीं है, बस रिजल्ट लिख देते हैं और उसको यूज करते हैं। तो आप इन केस अगर ऐसा हो कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स को जब सॉल्व करो तो ये आ जाए 1, एंड लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स को जब सॉल्व करो तो ये आ जाए इन्फिनिटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स पे होल पावर जी एक्स इज फॉर्म बनाए 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, तो इस वाले फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखते हैं। सबसे पहले आप e लिख दीजिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, जो पावर नीचे में है उसे एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स लिख दीजिए। जी एक्स क्या है, ऊपर वाला, नीचे वाले का एफ एक्स माइनस 1 एक घटा देते हैं, इंटू जी एक्स लिख देते हैं। एकदम सिंपल मेथड है ये, अगर किसी भी इन्फिनिटिव वाला फॉर्मेट आए 1 टू द पावर इन्फिनिटिव तो ये केस हम लोग बना लेंगे। अब इस पे एग्जाम्पल हम चलते हैं, तो इसे लिख लीजिए x टेंड्स टू a एफ एक्स पे पावर जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, और ये पूरा पावर होगा e के, टोटल पावर होगा। इस रिजल्ट को हमें याद रखना है और इस बेसिस पे हम एक जो क्वेश्चन है 2016 में जेई मेंस में पूछा, आईआईटी एडवांस के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहां पे भी यही पैटर्न पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेट
एग्जाम्पल है, लेट टी की वैल्यू दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव, वन प्लस टैन स्क्वेयर रूट एक्स वन अपॉन टू एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर? तो तुम देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसकी वैल्यू आप निकालो वन आएगा, इसकी वैल्यू आप निकालो इंफिनिटी आएगा। आपको करना क्या है कि आप अपने मन में, अपने मेमोरी में ये वैल्यू देखो, ये सबसे पहले तो एल एच एस नहीं है, ये आर एच एल है, आर एच एल लिमिट है। तो इस लिमिट को आप तो लिख सकते हो पी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस टैन स्क्वायर रूट एच पे पावर वन अपॉन टू टाइम्स ऑफ एच। अब तुम बताओ तो जीरो पुट करोगे तो टैन जीरो तो जीरो तो वन हो गया ही, और वन अपॉन टू इंटू जीरो दैट इज इंफिनिटिव, तो ये क्या बन रहा है, वन पे पावर इंफिनिटिव बन रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे ई, जब भी बने तो आप क्या लिखिएगा यहां पे देख लीजिए ई इसके पावर जो होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बेस जो है बेस में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ एक्स है वन प्लस टैन स्क्वायर रूट एच माइनस वन इंटू जी एक्स, जी एक्स है वन अपॉन टू एक्स। तो आपने क्या किया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जो है एफ एक्स पे पावर जी एक्स वो फॉर्म बना रहा था वन टू द पावर इंफिनिटिव, तो आपने रिजल्ट लिख दिया वन से वन कैंसिल कर दीजिए, लीजिए ये स्टेप में आपका आंसर आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और ये हो गया टैन स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई एच इंटू वन अपॉन टू। तो इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो होल स्क्वायर पे रूट लिख सकते हो, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो ई पे पावर वन बाई टू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल लिमिट्स थे, उसके एक एग्जांपल्स हमने लिया था जेई मेंस 2016 का एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देकर के चलना है। चलिए इवैल्यूएट करना है क्या, इवैल्यूएट करोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर एक्स सी टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, और इस पूरे पे ये फेमस क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन, सारे पॉजिटिव ए बी सी पॉजिटिव नंबर, ठीक है आप चेक करके देख लीजिए, ए टू द पावर जीरो वन 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 थ्री बाई थ्री दैट इज वन, और ये टू बाई जीरो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी।
तो ये फॉर्म बना रहा है क्या, 1 to the power infinity, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स बाई थ्री पे होल पावर 2 by x इज इक्वल टू, आप लिखोगे ई, सबसे पहले ई और पावर में लिमिट एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स है तुम्हारा ए टू दी पावर एक्स, बी टू दी पावर एक्स, सी टू दी पावर एक्स थ्री माइनस वन इंटू जी एक्स, जी एक्स है 2 by x। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो जैसे ही आगे चलिएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, ले लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू दी पावर एक्स, बी टू दी पावर एक्स, सी टू दी पावर एक्स माइनस 3 by 3 2 by x। चलिए आगे चलते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे ए टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस सी टू दी पावर एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर में एक्स आप लिखते चलिए, अब हो जाएगा ये कितना 2 by 3। देख लो एक्स को हमने अलग अलग कर दिया है, एलसीएम लेंगे तो एक्स ही हो जाएगा ना। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इसका रिजल्ट होता है ई टू दी पावर इसका एलेन ए प्लस एलेन बी प्लस एलेन सी और ये है 2 by 3। लॉग का फार्मूला बता दो, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, एलेन ए बी सी 2 by 3 ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ई हो जाएगा ये और इसे हम लोग लिख सकते हैं एलेन ए बी सी पे होल पावर 2 by 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लॉग पे एन जो है नीचे आ जाता है। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि लॉग एलेन ई बेस पे ये हो जाएगा हमारा ए बी सी पे पावर 2 by 3। लॉग एक्स पे पावर एन, एन लॉग एक्स होता है आप जानते हैं, और ई एल एन के जो होगा वो के होता है, ठीक है, इसलिए हमने वो फॉर्मेट यूज किया, ये दोनों रिजल्ट का यूज किया है हमने। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो जेई में भी आया है और एडवांस में भी आया है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन पाई बाई 4 + x और इस पे होल पावर है 1/x। दोनों में ही आए हैं तो देखो ये कैसा बन रहा है, लिमिट जीरो लोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, टेन पाई बाई 4 1 और 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है ये। तो जब ये बन रहा है तो आप इसे लिख लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन पाई बाई 4 + x पे होल पावर 1/x को आप लिखोगे ई और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेन पाई बाई 4 + x माइनस वन इंटू इंटू 1/x
एक्स। अब क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ई। ऊपर वाले को ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 प्लस टेन एक्स एंड 1 माइनस टेन एक्स माइनस 1 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? चलिए ई लिमिट एलसीएम ले लो, तो 2 टेन एक्स हो जाएगा ऊपर में, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन एक्स 1 अपॉन एक्स। चलिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दीजिए, अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो 2 को बाहर कर दो और टेन एक्स अपॉन एक्स को लिख दीजिए, और ये है 1 माइनस टेन एक्स, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी और टेन 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगा, आंसर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए, कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं। चलिए अब सेकेंड पोर्शन चलते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट। अगर 0 पे पावर 0 हो, 0 पे पावर 0 और इन्फिनिटी पे पावर 0 हो, तो दोनों ही के केस में हम लोग यूज करेंगे लॉगरिथिज्म्स रूल। लॉग वाला रूल यहाँ पे यूज किया जाएगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे। आजकल ट्रेंड हो रहा है इस पैटर्न के, पहले सिलेबस में तो था लेकिन क्वेश्चन उतना आते नहीं थे, लेकिन अब हम लोगों को बताना पड़ता है इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं। जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आ रहा है और मेंस में भी क्वेश्चंस इस पैटर्न पे आ रहे हैं। तो देखिए, इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं एक लिमिट को। देखने में तो बड़ा आसान लगता है, सिंपल लगता है, एक्स टू द पावर एक्स ही। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ये देखो, तो 0 पे पावर 0 बन रहा है ये। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे लेट कर लेते हैं पी, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू द पावर एक्स लिख लेते हैं। अब दोनों तरफ अगर लॉग ले लोगे तो लॉग पी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे 2x रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा लॉग पी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2x लॉग 2x। इसे 2 को बाहर कर दीजिए और इसे लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, बताइए क्या होगा, लॉग 2 प्लस लॉग एक्स। 2x से हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये फर्दर क्वेश्चन बन जाए। तो देखो, तो लिमिट अप्लाई करते हो तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स लॉग एक्स इक्वेशन फर्स्ट की तरह बन जाएगा। ये वाला देखिए, तो अगर एक्स से इस वाले, एक्स से जब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करें ये बन जाएगा 2 log p, 2 log p एक्स, और ये log एक्स 2 टाइम्स, और यहां पे भी है तुम्हारा log p
तो बन गया log p इज इक्वल टू 0 और p की वैल्यू 1। बात समझ में क्लियर है यहां पर? अब हम एक नोट लिख लेते हैं जो बहुत यूज करेगा तुम्हें प्रॉब्लम में। नोट ये यूज करते हैं कि देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन एक्स सॉरी एक्स टू दी पावर एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो लिमिट जो क्वेश्चन इसमें बनता है, देखो इसी पैटर्न में बनता है, एक्स साइन एक्स इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स पे होल पावर एक्स हो, और इसकी जो वैल्यू बनेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स पे होल पावर एक्स, ये सभी की वैल्यू 1 होगी। याद करने का तरीका क्या है? देखो एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। लिमिट चाहे कुछ भी हो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो 1 ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो भी वैल्यू 1 होगी। इसमें देखिए एक्स अपॉन साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स कर रहा है 0 तो भी वैल्यू 1 होती है। इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1। इसमें देखो ए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स ये तो कट गया वैल्यू 1। तो याद करने का तरीका यही है कि जब भी 0/0 पे पावर 0 बनता है और इस पैटर्न पे अगर आएगा तो उसका रिजल्ट याद रखिएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? 1 ही होगा। ऑल लिमिटिंग वैल्यूज आर 1 अबव में, ये जितने भी वैल्यूज हैं इनकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होगी। चलिए अब इंफिनिटिव सॉरी इंफिनिटिव पे पावर 0 पे एक क्वेश्चन करते हैं और इसका थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक मेथड समझते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो देखो इसमें एक पहले तो एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ आपको। जो IIT एडवांस का क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव दिया हुआ है, अब 4 पे पावर n और 5 पे पावर n और ये है 1/n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये कितना हो रहा है? 4 पे पावर n है, एक से बड़ा है और एक से बड़े पे इन्फिनिटिव होता है फर्स्ट क्लास। आप याद कीजिए पहले कल का, ये क्या हो जाएगा? हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा और ये 1/∞ 0 हो रहा है, तो इन्फिनिटिव पे पावर 0 बन रहा है। वर्किंग रूल सीख लीजिए, वर्किंग रूल में जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है द लार्जेस्ट नंबर जो होगा, जो लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर 5 है। हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनेटिव लार्जेस्ट नंबर को हम लोग बाहर लिख लेते हैं। हमेशा याद कर लीजिए कि लार्जेस्ट वैल्यू को हम लोग बाहर इसलिए करते हैं कि ये वाला टर्म एक से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? ये 1 से छोटा हो जाए, और जब 1 से छोटे पे पावर इन्फिनिटिव होता है तो वो वैल्यू 0 होती है। क्या होती है?
जीरो होती है, लिख लीजिए फाइव, ये जीरो प्लस वन पे पावर ये जीरो, तो वन पे पावर जीरो फाइव इंटू वन पे पावर जीरो दैट इज फाइव। अब इसमें देखो याद क्या करोगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होती, लार्जेस्ट नंबर ही आंसर होता है। इज ऑलवेज आंसर। अगर सॉल्व नहीं भी करना है ना तुम्हें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, टू पे पावर एन थ्री पे पावर एन फोर पे पावर एन फाइव पे पावर एन, और ये चला गया टेन पे पावर एन, और ये दे रखा है वन अपॉन एन, और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर तुम डायरेक्ट लिखोगे दस। आंसर क्या लिखोगे, दस, क्योंकि ये इंफिनिटी पे पावर जीरो है और इसकी लार्जेस्ट नंबर कितनी है, टेन है। बात समझ में आई, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, सेवन पे पावर एक्स, नाइन पे पावर एक्स, इलेवन पे पावर एक्स और वन अपॉन एक्स, आंसर क्या हो जाएगा, इलेवन। ठीक है, तो इंफिनिटी पे पावर जीरो में याद रखना है कि जो लार्जेस्ट नंबर होता है वही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस पे, इंफिनिटी पे पावर जीरो पे, और वो आप बताओगे कि उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एडवांस का क्वेश्चन है। और आंसर आपको बताना है, लिमिट एक्स गोज टू पाई बाई टू, वन पे पावर सेक्स स्क्वायर एक्स, टू पे पावर सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स, थ्री पे पावर सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये एन पे पावर सेक्स स्क्वायर एक्स, और इस पे होल पावर दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, होल पावर कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ। प्लस एन एन सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये है कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन में नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है, पाई बाई टू दे रखा है, पाई बाई फोर दे रखा है, एन दिया हुआ। जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास, अभी मुझे एक और क्वेश्चन करना है। वेरी गुड, सलमान ने भी लिखा है और कुलदीप ने भी लिखा है, बहुत अच्छा। हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है, एन है, सिंपल सा, तो आंसर एन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि इंफिनिटी पे पावर जीरो ही बनना चाहिए,
ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप लिख सकते हो, तो ये फॉर्मेट बन रहा है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू जीरो, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 1 + x / 2 / x। देखो क्वेश्चन में ये लिख देता है कि दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, हम लोग बोल देते हैं ठीक है, लेकिन मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे कि आपको याद रहे, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। एक ऑप्शन में दे रखा है हमारा e² - 1, e² - 2, e² - 7, e² - 6। तो देखो इसे एग्जाम्पल को पहले कर लेते हैं हम लोग, तो सिंपल सा है, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देखो तो ये 1 पे पावर इनफिनिटी बन रहा है अंदर में, 1 + x / 2 / x, और ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट अंदर से बाहर ले आया। फ्रैक्शनल पार्ट ये देखो e लिखोगे और लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 + x - 1 × 2 / x, फर्स्ट वाला याद रखो, जो फर्स्ट पैटर्न हमने बताया था 1 पे पावर इनफिनिटिव, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा x से x कैंसिल और e स्क्वायर, और ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। ऑप्शन में कहीं पे भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं दे रखा है। अब आप बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो कहाँ लाई करता है, तो आपने इसका पढ़ा होगा कि ये इसका जो ग्राफ होता है वो इस पैटर्न में होता है ना, इस पैटर्न में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सक्लूडिंग 1 और 0 तक होती है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो इसके अंदर में देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होगा जो 0 और 1 के बीच में होगा। तो देखो तो e square की वैल्यू 2.7 something 18 का होल स्क्वायर होगा, जो लगभग 7.28 समथिंग होगा। हमें 0 1 के बीच में लाना है, तो इस वाले को 7.28 में से 7 घटा देंगे तो 0.28 आ जाना, जो कि इन दोनों के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, e² - 7। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, एक टॉपिक और रह गया, मुझे लग रहा था कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा, एक या दो टॉपिक और है। एक टॉपिक है न्यूटन लेबनीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक टॉपिक है लिमिट एज सम, ये या तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा या नहीं तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन जब बताऊंगा तो भी वहां पे हमें बताना होगा, लेकिन ये यूज करते हैं लिमिट का ही। और एक टॉपिक है वो है एल हॉस्पिटल रूल। तो मुझे लगता है कि कल 10-15 मिनट का कहानी है ये, या 20 मिनट का कहानी है। इस कहानी को खत्म करने के बाद
डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद इंटीग्रल कैलकुलस में बाद में करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं, चलो बाय।